सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस पहचानने के लिए मैं ट्रेडिंग व्यू पे दोबारा गया। ट्रेडिंग व्यू में आपको बता चुका हूँ, ये एक वेबसाइट है जिसमें कैंडल्स को हम देखते हैं। मैं फिर बता रहा हूँ, जरूरी नहीं है कि आप ट्रेडिंग व्यू देखें, आप कोई भी वेबसाइट देख सकते हैं जहाँ पे आपको चार्ट्स दिखाई दे। ठीक है, मैंने एक चार्ट ले लिया। यहाँ मैंने इंश्योर किया यहाँ पर डे है, दूसरा मैंने इंश्योर किया कि यहाँ पे कैंडल है, तीसरा मैंने इंश्योर किया कि यहाँ पर ईयर है। ये तीन चीजें इंश्योर मैंने कर ली। ठीक है, अब मुझे जब सपोर्ट देखना है तो मैं पहले सपोर्ट की बात करता हूं। सपोर्ट कैसे देखते हैं, आपका चार्ट को आप पीछे जाएं, जो आज का प्राइस है, प्राइस आज का प्राइस है आपका ये वाला प्राइस जो है लोवेस्ट, अभी नियरेस्ट लोवेस्ट ये है, दिख रहा है आपको, ये नियरेस्ट लोवेस्ट है जिसको हम कहते हैं 1380। ध्यान से देखिएगा, 1380 आपको नियरेस्ट लोवेस्ट प्राइस आपको दिख रहा है। इससे पहले इसके नीचे किस प्राइस से चार्ट मूव हो गया था, इससे पहले तो ये है, यहां से मूव हो गया था, मैं बोले इससे पहले इससे नीचे, तो इससे पहले जाएंगे 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 और इससे नीचे ये प्राइस कहीं मुझे दिखता है जिसको मैं यहां पे मार्क करता हूं, तो मुझे ये प्राइस कहाँ आता है, जो विच इज अप्रोक 1368। तो अगर मुझसे कोई पूछे कि अब जो नियरेस्ट सपोर्ट HDFC बैंक का है वो क्या है, तो मैं कहूंगा 1368 जो है वो नियरेस्ट सपोर्ट है। ठीक है, नियरेस्ट सपोर्ट आपको ये दिखता है। आगे चलते हैं, एक और चार्ट लेते हैं, तब मैं आपको एक दो चार्ट पे थ्रू दिखाऊंगा, फिर आपको पहचानना समझ में आ जाएगा। जैसे मान लीजिए ये पंजाब नेशनल बैंक है, अब मैंने पंजाब नेशनल बैंक के चार्ट को मैं पहले रीसेट कर रहा हूं, ये किया मैंने, पंजाब नेशनल बैंक यहाँ पे जा रहा है। अब इससे पहले इससे नीचे जो आपका लेटेस्ट कहाँ से चार्ट टर्न हुआ था, मतलब ये तो ये सारा देख रहे हैं, ये ऊपर ही जा रहा है, एक तरह से ऊपर ही जा रहा है। ठीक है, जो नीचे जाते समय टर्न ओके हुआ था, जो इसका बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा ओके वो आपका ओके यहाँ पे कहीं, ये जो है ये प्राइस देखेंगे, ये नीचे जाते हुए यहां से टर्न हुआ था, ये नीचे आ रहा था यहां से, तो दिस इज 94 जो है, 93.55 जो है, इसका बहुत अच्छा सपोर्ट है, बहुत अच्छा सपोर्ट है, जो एक जिसे कहते हैं पहला सपोर्ट, जिसे आप कह सकते हैं कि जनरली चार्ट जो है वहां से आपका मूव करता है। तो एक सपोर्ट को आइडेंटिफाई करने का तरीका है, मैं फिर बता रहा हूं, जहां पे प्राइस चढ़ रहा हो उस प्राइस से पहले जाएंगे, पहले गए, पहले जाने के बाद उसके नीचे देखेंगे कहां से टर्न हुआ था, उस टर्न को आपको ढूंढना है। आगे बढ़ रहा हूं, जैसे देखेंगे इस समय देखें, तो अगर मैं इस वर्लपूल को देखूं, तो इससे पहले इससे नीचे मुझसे कोई पूछे तो इसका लेटेस्ट सपोर्ट जो मिलेगा आपको, ये आपको ये जो प्राइस है विच इज कहाँ हो गया? 1293, 1293। माई हम्बल रिक्वेस्ट टीचर्स, आप लोग टीचर्स हैं, इतना आई थिंक आप लोग कर सकते हैं कि आपको कैसे बिहेव करना चाहिए ड्यूरिंग द क्लास, माई हम्बल रिक्वेस्ट। तो आप लोग देखेंगे 1293, 1293, 1293, यहां पर आपका एक सपोर्ट है, इस सपोर्ट को, ये लेटेस्ट सपोर्ट है। आगे चल रहा हूं, मैं केवल अभी आपको सपोर्ट्स बता रहा हूं, फिर देखेंगे। आइए ये देखिए, ये इसके नीचे, अब इसके नीचे ये सपोर्ट नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि ये प्राइस ऑलरेडी इसके नीचे आ चुका है। ध्यान से समझिए मेरी बात को, ये आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, लेकिन ये प्राइस जो है ऑलरेडी इस प्राइस के नीचे आ चुका है, यानी दिस कैन नॉट बी सपोर्ट नाउ, इसको तोड़ चुका है ये। अगर आप मुझसे 3 दिन पहले पूछते या यहाँ पे पूछते, 17 जनवरी को पूछते, तो मैं कहता जी सपोर्ट आपका ये है, आपका 1270, लेकिन अब ये 1270 के ऑलरेडी नीचे आ चुका है, तो मैं देखूंगा, उससे बैक में जाऊंगा, बैक में जाने के बाद देखूंगा कि हाँ जी इसके नीचे कब था और कहाँ पे था, तो मैं देखूंगा, लेट मी शो यू। ठीक है, देखिए जरा यहाँ पर देखेंगे तो इससे पहले इसके नीचे कहाँ पे सपोर्ट मिला, तो बहुत अच्छा सपोर्ट आपको मिलेगा जो है आपको इस पॉइंट पे आके, ये जो पॉइंट है ये आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलेगा। लेकिन इस पॉइंट सपोर्ट को बताने से पहले मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, क्योंकि आपके दिमाग में अभी आएगा कि सर ये पॉइंट क्यों आया, ये पॉइंट क्यों आया, आप इस पॉइंट को क्यों नहीं बता रहे, क्योंकि नीचे रिवर्स तो यहां से हुआ था ना कि यहां से हुआ था, ये आपके मन में क्वेश्चन आएगा और एक वैलिड क्वेश्चन होना चाहिए। नाउ
इस सपोर्ट को, इस वाले सपोर्ट को बताने से पहले मैं आपको रेसिस्टेंस बताना चाहूंगा। पहले आप रेसिस्टेंस को भी समझ लें, फिर मैं आपको इस वाले सपोर्ट पर आऊंगा। याद रखिएगा लक्स इंडस्ट्री शेयर का नाम है, फिर मैं दोबारा इस पे आऊंगा। रेसिस्टेंस देखिए, अब रेसिस्टेंस को अगर आपको देखना है तो आपको देखना पड़ेगा कि जहां पर चार्ट है उससे पहले उसके ऊपर कहां से रिवर्स हुआ था, कहां से वो रिवर्स हुआ था। लेट मी शो यू वन टू चार्ट। जैसे अब आपको मैं दिखाता हूं, ये चार्ट है आपको मारुति सुजुकी का। मारुति सुजुकी का जो पहला सपोर्ट मुझे दिखता है वो ये है आपका, ये पॉइंट देखिए, ये नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, नीचे आ रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, फिर ये ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, ऊपर जा रहा था, और यहाँ पे जाके रुक गया, फिर नीचे आने लगा। यानी पहला रेसिस्टेंस मारुति को अब अगर आएगा तो वो आएगा आपका ये जो पॉइंट है 1014। मैं बता रहा हूं 1014। कुछ थ्योरीज अगर आप पढ़ेंगे, कुछ बुक्स को पढ़ेंगे, तो वो जो विक की ऊंचाई है वहां तक लेते हैं, कुछ थ्योरी बॉडी तक लेते हैं। बॉडी इज द बेटर शोइंग, बिकॉज विक जो फॉर्मेशन होता है वो ड्यूरिंग द ईयर, ड्यूरिंग द डे। एक छोटा सा भी किसी ने एक शेयर का भी ट्रेड कर दिया उस रेट पे, तो इसलिए विक का फॉर्मेशन हो जाता है। तो विक को बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं दी जाती सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में। सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस में बॉडी को वैल्यू बहुत ज्यादा दी जाती है। बॉडी को देखेंगे कहां तक बॉडी बनी थी, कल मैंने आपको वीक और बॉडी दोनों के बारे में बताया था। तो ये ऊपर जाते जाते बॉडी जहां पे खत्म हुई है, उसी तरह नीचे आते आते बॉडी जहां पे हुई है बॉडी को ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया जाता है। मैं फिर बता रहा हूँ, कुछ बुक्स आप पढ़ेंगे तो वहां पे वीक को भी बात करते हैं वो। मैंने फिर बताया कि व्यूज जो है मार्केट में, व्यूज डिफरेंट होते हैं, और यही जो है मार्केट को चलाने का तरीका होता है। जैसे अब ये देखिए, ये यहाँ से ऊपर निकल चुका है एसबीआई कार्ड। अब जब एसबीआई कार्ड यहाँ से ऊपर निकला तो इसका रेसिस्टेंस कहाँ होगा, तो ये देखिए जब ये ऊपर जा रहा था, ये यहाँ ऊपर गया था, फिर ये नीचे आया, नीचे, फिर ये थोड़ा सा ऊपर गया और फिर ये नीचे आने लगा। यानी पहली बार इससे, इस प्राइस से, जिस प्राइस पे हम हैं, इससे पहले जाना है और देखना है कि कहाँ से वो रिटर्न हुआ था। तो इससे पहले ये इस पॉइंट से, ये जो पॉइंट है इससे रिटर्न हुआ था, विच इज 769। 769 को देखेंगे तो इससे पहले है, इस प्राइस से पहले है, और इसी से इसने टर्न लिया था, तो वो आपका रेसिस्टेंस है। यानी उस पॉइंट पे जाके चार्ट को रुकने के चांसेस ज्यादा हैं, एक बार उसको ये माना जाता है। रेसिस्टेंस मतलब वहां पे ऊपर जाके, ऊपर जाते समय वहां पे रुकेगा, और सपोर्ट का मतलब होता है नीचे जाते समय वहां पे रुकेगा। तो नीचे जाते समय जब रुकता है तो उसे हम सपोर्ट कहते हैं, और ऊपर जाते समय जब रुकता है तो उसे हम रेसिस्टेंस कहते हैं, यानी उसके ऊपर जाने। जैसे अब इस चार्ट को देखिए, ये यहाँ पर है। अब मुझसे कोई इसे सपोर्ट पूछेगा तो मैं क्लियर बताऊंगा कि आपका जो नियरेस्ट सपोर्ट है, ये तो टूट गया, ये वाला सपोर्ट टूट गया, दिस सपोर्ट ब्रेक इन नाउ। अब जो सपोर्ट है आपका ये होगा, लेकिन उससे पहले आपको एक सपोर्ट ये आएगा, वो मैं बताऊंगा वो कैसे, जब मैंने आपको लक्ष्य में बताया था, ठीक है। लेकिन जो मैंने थ्योरी अभी थोड़ी देर पहले बताई कि इससे पहले नीचे जाते समय कहाँ रुका था, दैट इज द मेजर सपोर्ट, विच इज 5260। 5260 इज द सपोर्ट। और रेसिस्टेंस क्या है, इससे पहले ऊपर जाते समय कहाँ रुका था, ये यहाँ रुका था। इस पॉइंट को, इस कैंडल को देखते हैं हम 12 जनवरी की, तो 12 जनवरी की कैंडल बताती है हमें यहाँ पे जाके रुका था, विच इज 6547। तो 6547 इज द रेसिस्टेंस नियरेस्ट, एंड जो थ्योरी मैंने आपको अभी तक एक्सप्लेन की है उसके हिसाब से 5253 इज द सपोर्ट। तो ये जो थ्योरी मैंने आपको बताई कि ऊपर जाते समय कहां रुका था और नीचे जाते समय कहां रुका था, उससे सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस डिराइव होते हैं, पहले सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस। क्या ये बात मैं आप लोगों तक पहुंच पाया, क्या मैं आप लोगों तक समझा पाया? नायब सिंह जी बताएंगे या बीर सिंह जी बता देंगे? क्लियर क्लियर सर। है, ठीक है, थैंक यू बिल्कुल सर। अब दूसरी थ्योरी में एक और बता रहा हूं, पास्ट का सपोर्ट, ध्यान से रखिएगा, पास्ट का सपोर्ट अगर टूट जाता है तो वो फ्यूचर में बहुत अच्छा रेसिस्टेंस बन जाता है। मैं रिपीट कर रहा हूं, सपोज मैंने आपसे बताया कि जाता हूं मैं लक्स पे, दोबारा जाता हूं तो आपको समझा पाऊंगा जो मैंने कहा था कि लक्स लक्स ये देखिए, लक्स इंडस्ट्री यहां पे देखिए, ये आपका सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, ये सपोर्ट टूट के अभी नीचे आ गया। अब इस चार्ट को, इस पॉइंट को, यानी ये जो पॉइंट है आपका 1270, 1270 इस चार्ट के लिए बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बन जाएगा। मैं रिपीट कर रहा हूं, पास्ट का सपोर्ट
अगर टूट जाता है तो वो बहुत बड़ा रेसिस्टेंस बन जाता है, और पास्ट का रेसिस्टेंस अगर टूट जाता है तो बहुत बड़ा सपोर्ट बन जाता है। सपोज मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ, सपोज ये यहाँ से ऊपर चलना शुरू हो जाता है, लेट्स कि ये ऊपर से यहाँ से चलना शुरू हो जाता है, मैं अज्यूम कर रहा हूँ, और इसका ये रेसिस्टेंस है यहाँ पे, ये रेसिस्टेंस है, एक आपको पहला रेसिस्टेंस मुझे दिख रहा है, जो जो थ्योरी अभी मैंने आपको बताई थी उसके हिसाब से पहला रेसिस्टेंस ये है विच इज 1385, और दूसरा रेसिस्टेंस ये है विच इज 1455, ये दो रेसिस्टेंस है। अगर ये चार्ट यहाँ से रिवर्स हो जाता है, ऊपर जाता है, ऊपर जाता है तो ये रेसिस्टेंस यहाँ पे रुकना चाहिए, रुकना चाहिए, नहीं रुकता है या रुक के फिर ऊपर निकल जाता है, ऊपर निकल जाता है। अगर ऊपर निकल जाता है तो ये जो वैल्यू है 1383, ये बहुत तगड़ा सपोर्ट बन जाएगा। पास्ट का सपोर्ट जब टूट जाता है तो वो रेसिस्टेंस बन जाता है, और पास्ट का रेसिस्टेंस जब टूट जाता है तो वो सपोर्ट बन जाता है, वो सपोर्ट बन जाता है। देखिए मैं आपको इसी चार्ट में दिखा रहा हूँ, देखिए ये रेसिस्टेंस था, यहाँ पर रेसिस्टेंस था, ये नीचे आया, मैंने कहा रेसिस्टेंस होगा तो वहां पर रुकेगा, देखो यहाँ रुका, नीचे आया, फिर ऊपर कोशिश किया, नहीं हुआ, फिर नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर इसी पॉइंट पे रुका, यानी ये रेसिस्टेंस ये टूट नहीं रहा, ये बार बार इस रेसिस्टेंस को तोड़ने की कोशिश ये 2 बार कर चुका है स्टॉक, लेकिन नहीं, लेकिन अगर कल को ये जाते हैं और ये टूट जाता है किसी तरह, ये चार्ट आपका 1615 के ऊपर निकल जाता है, 1615 के ऊपर निकल जाता है इस रेसिस्टेंस को तोड़ के, तो ये फ्यूचर के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट बन जाएगा। और अगर अगर रेसिस्टेंस या सपोर्ट दो दो हो, तीन हो एक ही जगह पे, अभी मैं आपको बताऊंगा डबल बॉटम डबल टॉप तो बताऊंगा, तो अगर ये रेजिस्टेंस है, दिख रहा है सबको रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर नहीं गया, इसके ऊपर नहीं गया, अब ये अगर टूट के ये चार्ट किसी तरह ऊपर चला जाए तो ये फ्यूचर के लिए बहुत तगड़ा सपोर्ट बन जाएगा। तो इस सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को हमें समझना होता है, जनरली ये शॉर्ट टर्म के लिए हो, जो ट्रेडर्स होते हैं उनके लिए होते हैं, जैसे ये स्टॉक है, अब इस स्टॉक को मैं जियो फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, ये इसका इन्होंने आपका देखिए ये एक्चुअल में इसका जो रेसिस्टेंस बनना चाहिए था वो आपका यही है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो वो एक दिन कोई न्यूज आई होगी इसलिए ऊपर गया होगा, ये बहुत तगड़ा ये इसका रेसिस्टेंस था, ये रेसिस्टेंस था यहाँ से, पहले दिन जब वो खुला था, पहले दिन वाली बात है, सर्किट सर्किट रखता गया, नीचे आया, फिर ऊपर गया, उसी पॉइंट से नीचे आया, फिर इधर गया, फिर ये एक कैंडल, उस दिन कोई न्यूज आई होगी, मार्केट ही पूरा ऊपर रहा होगा इसलिए ऊपर गया, लेकिन अल्टीमेटली फिर अगले दिन नीचे आ गया। तो ये जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, कुछ लोग सपोर्ट और रेसिस्टेंस को जोन में भी डिफाइन करते हैं कि सपोर्ट और रेसिस्टेंस एक पॉइंट नहीं होता, एक जोन होता है, तो जोन की थोड़ा सा वो, क्योंकि हर बार कैंडल सेम उसी जगह नहीं जाती, 2-4 रुपए ऊपर या 1-1% ऊपर नीचे तक रहती है, तो कई बार आप कई बुक्स पढ़ेंगे तो उसमें लिखा होगा सपोर्ट जोन रेसिस्टेंस जोन, दे डू नॉट टॉक अबाउट सपोर्ट पॉइंट एंड रेसिस्टेंस पॉइंट, तो जनरली तो ये जोन एक जोन है, उस जोन में जाके रुक जाता है, फिर नीचे जा रहा है। अब मुझे आप पूछेंगे कि इसका इसका सपोर्ट कहाँ होगा, तो मुझे ये देखिए पास्ट, इससे पास्ट में कहाँ पे रुका है, ये वाला पॉइंट है, यानी ये इसका एक बहुत तगड़ा सपोर्ट, ये इसका बहुत तगड़ा सपोर्ट है, इसके नीचे जाने के चांस कम है, लेकिन अगर नीचे जाएगा तो फिर अगला सपोर्ट कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, अगर इसके नीचे जाएगा तो फिर कहाँ बनेगा, यहाँ कहीं बनेगा, तो इस तरह से सपोर्ट डिफरेंट डिफरेंट सपोर्ट आते हैं, और अगर ये इसके नीचे आ जाता है, ये सपोर्ट को तोड़ देता है, यहाँ कहीं ट्रेड होना शुरू हो जाता है, तो ये फिर फ्यूचर में इसके लिए बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस बन जाएगा, उसको आसान नहीं होगा तोड़ना, उसको आसान नहीं होगा तोड़ना, तो पास्ट का सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है एंड पास्ट का रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। क्या मैं इसको समझा पाया आप लोगों को, मैं फिर बता रहा हूं, ये शॉर्ट टर्म के ट्रेडिंग वगैरह जो करते हैं, जिनको आज कई भाई पैसा लगा रखा है और मेरे को इस पैसे की जरूरत है, कहीं उसके नीचे चला गया तो दिक्कत होगी, उनके लिए है, जो इन्वेस्टिंग करके छोड़ने वाले लोग हैं उनके लिए थेरीज नहीं है। मैंने कल भी कहा था कि जो इन्वेस्टर्स हैं उनके लिए मेरी 3 क्लासेस ही बहुत हैं, लेकिन फिर भी जानने के लिए, समझने के लिए, नॉलेज के लिए, हो सकता है कल को आपको लगे हाँ यार थोड़ा बहुत हम ट्रेड करें बैठे, ट्रेड का मतलब ये नहीं कि इंट्राडे की मैं बात कर रहा हूँ, ट्रेड का मतलब ये होता है कि आपने एक दिन खरीदा, 2-4 महीने रखा, 2-4 दिन रखा, 2-4 वीक रखा। अब जैसे इस कार्ड में इसको अगर आप देखेंगे तो मुझसे कोई पूछेगा तो इसका बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस इस जोन में, ये जो है ये बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस है, बार बार यहाँ गया वापस आ गया, फिर गया वापस आ गया, फिर गया वापस आ गया, अब इसको एक एक पॉइंट से डिफाइन कर दो या जोन से डिफाइन कर दो, जोन भी कई बार, ये जो जोन है पूरी, इस जोन को इसको पूरा कह देंगे कि हाँ ये बहुत तगड़ा इसका रेसिस्टेंस जोन है, इसको पार करना,
इट इज, अगर इसको एक बार पार कर जाता तो चार्ट के लिए बहुत आसान होगा। उसी तरह इसका जो सपोर्ट है, अगर आप देखेंगे तो ये अपना, ये एक बहुत तगड़ा इसका सपोर्ट है जिसपे अभी ये तैर कर रहा है, ये अपने सपोर्ट के एकदम बहुत पास है। ये इसको तोड़ेगा तो फिर ये सपोर्ट आ जाएगा। तो अब आप इसको पूरा सपोर्ट जोन कह दो, या पहला सपोर्ट इसका यही पॉइंट है, ये जो पॉइंट है जिसको अभी जहां से नीचे आया था 730 733 सीसी के आसपास से, यही इसका एक अच्छा सपोर्ट है। यहां से ऊपर गया है, मोस्ट प्रोबेबली ये इसको क्रॉस करेगा, क्रॉस करेगा तो ऊपर जाएगा, और नहीं क्रॉस कर पाया तो फिर एक बार नीचे टेस्ट करने के लिए आएगा। ये ऐसे ही सपोर्ट है रेसिस्टेंस में। तो आप अगर आप ट्रेडर है तो क्या करते हैं, इस पॉइंट के ऊपर सेल करते हैं, यहाँ जैसे अभी किसी ने कहा था कि सर ऊपर चला गया तो बेच दें, नीचे आ गया तो खरीद दें, तो आप यहाँ के आसपास जब जाता है दिखता है नहीं क्रॉस कर रहा है तो आप बेच देते हैं, फिर यहाँ नीचे कहीं सपोर्ट पे आता है सपोर्ट के आसपास तो खरीद लेते हैं। ट्रेडर लोग ऐसे काम करते हैं। एज अ एजुकेटर आप लोग दिन में, फिर मैं बताता हूँ आपके प्रिंसिपल कल सुबह ड्यूटी लगा देंगे प्री बोर्ड का, आप फंस जाएंगे, तो आप उस चक्करों में ना पड़े। मैं तो जहाँ पता चला सुबह आप गए और आपकी ड्यूटी लगी हुई है, और तो कहाँ से आप सपोर्ट रेजिस्टेंस देखेंगे, तो आपके लिए बेटर है। अब देखिए ये, देखिए ये बहुत, ये मेरे से पूछोगे ये पास्ट का रेसिस्टेंस है, ये पॉइंट पास्ट का रेसिस्टेंस है, और ये इसी के आसपास आके ये सपोर्ट दे रहा है। अगर आप देखिएगा, ट्राई करिएगा 2-4 दिन, हो सकता है, मुझे नहीं लगता कि इसके नीचे आसानी से ही जाएगा। क्यों? क्योंकि ये पास्ट का रेसिस्टेंस है, पास्ट का रेसिस्टेंस है, तो ये यहाँ पे आके सपोर्ट बना रहा है 1-2-3 कैंडल बना के, और इसको यहाँ से टर्न ले लेना चाहिए। अनलेस अंटिल की मार्केट, देखो अगर पूरी मार्केट ही नेगेटिव आ गया, न्यूज आ गया, कुछ आ गया, तो अलग बात है, पूरी मार्केट नीचे आ जाएगी तो ये भी नीचे आ जाएगा, फिर कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन इंडिविजुअल स्टॉक का बिहेवियर जो है, ये पास्ट का रेसिस्टेंस है, ये पास्ट का रेसिस्टेंस है, तो वो इस समय बहुत अच्छा सपोर्ट का काम करेगा करेगा, ये आपको देखना है। दूसरा सपोर्ट अब इसका जो है, इसके नीचे जो सपोर्ट है, अब एक रेसिस्टेंस यहाँ पे दिख रहा है मुझे, पास्ट का रेसिस्टेंस यहाँ दिख रहा है, तो ये मुझे, ये देखिए, ये देखिए, ये पास्ट का, इसको देखिए, ये पास्ट में एक टाइम पे सपोर्ट था, इसको देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा, ये एक टाइम पे सपोर्ट था, ये सपोर्ट था, सपोर्ट था, ये जो सपोर्ट था इसको इसने तोड़ा, जब इसको इसको तोड़ा तो यही कुछ टाइम के लिए यहाँ पर रेजिस्टेंस बना, इसको पार करना आसान नहीं था, कई दिन तक 1-2-3-4-5-6-10-12-15 दिन तक 15 कैंडल बनी, उसके ऊपर निकलना आसान नहीं हुआ, थोड़ा सा निकलने की कोशिश भी किया फिर नीचे आ गया। तो पास्ट का जो सपोर्ट है वो रेसिस्टेंस बन जाता है टूटने के बाद, एंड पास्ट का रेसिस्टेंस जो है, ये पास्ट का रेसिस्टेंस है, ये सपोर्ट बन जाता है, उसको आसानी से उसके नीचे चार्ट नहीं जाता। नो डाउट अब मार्केट ही पूरी नीचे जाएगी, कल को कुछ हो जाए तो फिर तो पूरा उसमें सारी थ्योरी फेल हो जाती है, फिर मार्केट का सपोर्ट एंड मार्केट का रेसिस्टेंस देखा जाता है, फिर इंडिविजुअल स्टॉक का सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस जनरली काम नहीं करता है। किसी के मन में कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। सर, इसके साथ में अगर वॉल्यूम का भी अगर हम थोड़ा दिखा पाए, क्या संभव है? हाँ वॉल्यूम आप लगाना चाहें, देखिए है क्या लांबा जी, वॉल्यूम के साथ अगर सपोर्ट को तोड़ दे, मैं लगाता हूं वॉल्यूम, ये देखिए ये मैंने वॉल्यूम लगा दिया, अगर वॉल्यूम के, देखिए अगर आपको पहले तो एवरेज वॉल्यूम को समझना आना चाहिए। देखिए जैसे मैं पहले सारे चार्ट को हटा देता हूँ, रिमूव। अब देखिए अगर मैं आइसर मोटर को देखूं तो मुझे यहां पे इन दिनों में एक एबनॉर्मल वॉल्यूम दिख रहा था, एबनॉर्मल वॉल्यूम, अगर आप देखेंगे नॉर्मल वॉल्यूम इसका ये है कुछ, आपका इस ये नॉर्मल वॉल्यूम है, एक डेटर लाइन आपको यहां दिख रही होगी, ये इसकी नॉर्मल वॉल्यूम है, एवरेज अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास होती है, ठीक है। लेकिन जैसे ही मैं इस दिन की बात करता हूं, 4 जुलाई 5 जुलाई 6 जुलाई 7 जुलाई 8 जुलाई, ये बहुत बड़ा वॉल्यूम है, यानी इनकी कैंडल्स देखिए बहुत बड़ी बड़ी बनी हुई है यहाँ नीचे, तो बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिरा है। तो जब ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिरता है तो ये जनरली कितना आसानी नहीं होता, अगर कम वॉल्यूम के साथ गिरा है कोई चीज, जैसे यहाँ पे देखिए ये भी गिरा है, लेकिन ये एवरेज वॉल्यूम जो पहले होता था उसी वॉल्यूम के साथ गिरा था, ये उसी वॉल्यूम के साथ गिर रहा था, तो ये जल्दी उठेगा, एज कंपेयर टू अगर ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिरा है तो वो जल्दी नहीं उठेगा। आपको लग रहा होगा ये उठा, लेकिन ये इसमें इस यहां से इस पॉइंट जाने में टाइम कितना लगा, आप ध्यान से देखिए इसका जो कर्व है ऐसे है ऐसे, लेकिन इसके जो कर्व है ये ऐसे ऐसे एकदम सीधे,
आपको 80 डिग्री का कैंडल बन रहा होगा, 75 डिग्री का कैंडल बन रहा होगा। तो उसी तरह यहाँ पे देखिए, ये भी गिरा है, ये भी गिरा है, लेकिन वॉल्यूम नॉर्मल है, जो वॉल्यूम होता है वही वॉल्यूम है। तो ये वॉल्यूम जो गिरा है, तो इसमें उठने के चांसेस जो करेक्शन आएंगे तो आसानी से हो जाएगा। उसी तरह जब उठ रहा है तो भी आपको ध्यान रखना है कि जब ये उठ रहा है तो नॉर्मल वॉल्यूम से उठ रहा है या आपका एक्सेप्शनल वॉल्यूम से उठ रहा है। अगर ये नॉर्मल वॉल्यूम से उठ रहा है तो गिरेगा तो नॉर्मल ही गिरेगा, लेकिन अगर एक्सेप्शनल वॉल्यूम से अगर उठ जाता, ये जो ये है आप देखेंगे नॉर्मल वॉल्यूम है, जो नॉर्मल चलता था वही है, एक आध दिन को छोड़ दें तो एक आध दिन दे दे, तो अगर एक्सेप्शनल वॉल्यूम होने लगे तो समझ लीजिए कि फिर वो उतनी तेजी से गिरेगा नहीं, ये जो गिरा है वो नहीं गिरेगा, क्योंकि बहुत वॉल्यूम के साथ अगर ऊपर गया तो फिर वो नीचे उतने तेजी से नहीं आएगा, और अगर वॉल्यूम के साथ नीचे गया तो फिर वो ऊपर उतनी तेजी से नहीं आएगा। मैं एक एक दो कैंडल और दिखाता हूँ, एक दो चार्ट और दिखाता हूँ, फिर आपको समझ आएगा। यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये जो नीचे आया है, ध्यान से देखिए, ये जो नीचे आया है, इस नीचे आने में यहाँ पे आप वॉल्यूम को देखिए, वॉल्यूम पहले कितना होता था, अब देखिए ये जो आपका ये नीचे आया, देखिए जरा पहले इसको समझते हैं, ये जो नीचे आ रहा है, ये नीचे आ रहा है, लेकिन वॉल्यूम बहुत एवरेज है, जो होता था वही एवरेज है, वही है, तो अगर वही एवरेज है तो आसानी से ऊपर चला जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, ये बहुत वॉल्यूम के साथ नीचे नहीं आया, नॉर्मल वॉल्यूम है। लेकिन अगर आपको मैं यहां ले आता हूं, यहां देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, यहाँ पे वॉल्यूम इस पास्ट को, जब मैं बात कर रहा हूँ मार्च अप्रैल में, मार्च अप्रैल के वॉल्यूम को देखिए, और अचानक आप सितंबर के वॉल्यूम को देखिए, सितंबर के वॉल्यूम और मार्च के वॉल्यूम में डिफरेंस देखिए, आपको समझ में आएगा कि सितंबर के कैंडल मार्च के कैंडल, वॉल्यूम के कैंडल्स को देखिए, वॉल्यूम के कैंडल्स को लगभग यहाँ पे मार्च में जितनी कैंडल बनती थी उसका डबल बन रही है, यहाँ पे डबल बन रही है। तो यानी ये जो गिरा है ये बहुत ज्यादा वॉल्यूम के साथ गिरा था ब्रिटेनिया, तो यानी यहाँ पे वी शेप रिकवरी नहीं आनी थी, पक्का था ये वी शेप रिकवरी नहीं होगी, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, और यहाँ पे जो होता है इसे एकुमुलेशन कहते हैं, एकुमुलेशन होगा, अभी मैं चार्ट पैटर्न्स कर आप लोग को बताऊंगा नेक्स्ट क्लास में, तो आपको समझ में आएगा। तो यहाँ पे आपका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, तो ये धीरे धीरे, तो ये कंसोलिडेट किया इसने, फिर आराम से उठा है, ये उतनी तेजी से वी शेप रिकवरी नहीं आएगी सपोर्ट और असिस्टेंस पे। आई होप सर लांबा जी मैं समझा पाया होगा जो आप चाह रहे थे। जी सर, ठीक है, तो ये थोड़े से जब जब इस, सर वॉल्यूम का एक सवाल है, ये हाँ जी सर बताइए, सबका रिटेलर्स का वॉल्यूम है या सबका, ये जो ब्लॉक डील है होती सर, है सब बड़ी डील? जितने सबका जितनी भी सेल हुई है सबका है सर, सेल परचेज दोनों मिला के है, सबका मिला के है, ओके सर, थैंक टोटल वॉल्यूम है सर। ये जो नीचे आपको जैसे ये यू। देखिए, ये वॉल्यूम इस दिन बहुत तगड़ा वॉल्यूम हुआ है, यानी किसी किसी ने जो है बहुत बड़ा स्टॉक यहाँ पे बेचा है, यहाँ पे बहुत बड़ा स्टॉक बेचा है। ठीक है, अब देखिए ये जो ऊपर गया है, ये देखिए यहां से यहां तक ऊपर गया है, लेकिन वॉल्यूम ना के बराबर है, बहुत कम वॉल्यूम, बहुत कम वॉल्यूम है, वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ है। तो ये जो ये पहले ही बता रहा था, अगर कोई मुझसे पूछे तो ये पहले ही बता रहा था कि ये जो उठा है ये कम वॉल्यूम से उठा है, तो ये बहुत तेजी से नीचे भी नहीं आएगा, ये कंसोलिडेशन करना ही करना है, क्योंकि उसको जो इसका शेप है वो बता रहा है कि ये बहुत नीचे भी नहीं आएगा और ये बहुत ऊपर भी, ये वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, इस बाइंग को वॉल्यूम सपोर्ट नहीं कर रहा, ये नॉर्मल नॉर्मल ग्रोथ है। तो नॉर्मल ग्रोथ जनरली आपका जो नॉर्मल ग्रोथ या नॉर्मल नीचे जाएगा तो धीरे धीरे ही ऊपर आएगा, और अगर वॉल्यूम के साथ नीचे गया तो फिर आपको दिक्कत आएगी, फिर वो कंसोलिडेशन करेगा वहां पे, उसको आपको ध्यान रखना। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताने जा रहा हूं, जो दूसरी चीज मुझे आपको बतानी है वो है आपका डबल टॉप एंड डबल बॉटम, प्लीज इसको लिखेंगे आप लोग को जानकारी के लिए, डबल टॉप एंड डबल बॉटम देखिए जरा ये क्या होते हैं। आप इन दोनों टॉप्स को देखिए, मैं बात कर रहा हूं 1 जुलाई को पीआई इंडस्ट्री में, ये अगर आप देखेंगे ये है आपका 20 जून को और फिर आपका 10 अगस्त को, ये दो बार टॉप बने, दो बार टॉप बने, ये जो दो बार टॉप बने और उसी पॉइंट पे लगभग लगभग, मैं पॉइंट का मतलब ये नहीं होता है 1 रुपए 2 रुपए 4 रुपए का डिफरेंस, मतलब उसी पॉइंट के आसपास आपका अगर टॉप बन गए तो ये बहुत तगड़ा रेसिस्टेंस होता है, चार्ट इसको आसानी से पार नहीं कर सकता, कर ही नहीं सकता, ये पक्का है कि जब ये नीचे आ रहा था फिर ये ऊपर जा रहा था, इस पॉइंट के आसपास रुकेगा। मैं फिर कह रहा हूं शेयर मार्केट में पहले दिन से बता चुका हूं, कुछ भी 100% सच नहीं होता, 100% नहीं होगा, क्या होगा, दो जो मैं थ्योरी बता रहा हूं, 2 बार गलत होगी, 8 बार सही होगी, 2 बार गलत से जो नुकसान होगा, 8 बार सही से जो फायदा होगा उसमें 2 से 2 हटा दो तो भी आप 6 बार फायदे में रहेंगे, बस मैं आपको वो थ्योरी बता रहा हूँ। हो सकता है 3 बार नुकसान हो, 7 बार फायदा हो, 3 बार के नुकसान को 3 बार के फायदे से हटा दो तो भी आप 4 बार फायदे में रहेंगे,
ये चीज एकदम दिमाग में डाल लीजिएगा। ऐसा ना हो कि कोई स्टॉक आपने खरीदा और वो अगले दिन निकल गया और तुरंत आपने ग्रुप पे लिखना शुरू किया, सर आपने ये क्या बता दिया। एकदम मैं क्लियर बताता हूं, कोई भी थ्योरी, दुनिया की कोई थ्योरी किसी ने डेवलप की हो, वो शेयर मार्केट में 100% सही नहीं होती, वो प्रोबेबिलिटीज होती हैं, प्रोबेबिलिटी चलती है। ठीक है, आइए चलिए, ये तो डबल टॉप पहले मैं आपको दिखा रहा था, डबल टॉप को दिखाने की कोशिश करता हूँ, फिर डबल बॉटम दिखाऊंगा मैं आपको, कि डबल टॉप या डबल बॉटम बनने लगते हैं तो चार्ट को पार करना आसान नहीं होता। जैसे अगर मुझसे आप पूछेंगे तो बहुत अच्छे डबल टॉप यहाँ पे ये बने हुए हैं, देखिए ये बहुत अच्छे, 2 बार इसने पेज इंडस्ट्री ने डबल टॉप बनाया हुआ है, यहाँ पे भी बनाया, लगभग लगभग उसी पॉइंट के आसपास यहाँ पे बनाया, तो ये जो नीचे ट्रेड कर रहा है, अब इसको ऊपर जाके इस पॉइंट को मतलब 42,000 के पॉइंट जो है, 42,500, 42,600 के पॉइंट को क्रॉस करना आसान नहीं होगा, नहीं होगा। दिस इज द थ्योरी ऑफ डबल टॉप, डबल टॉप को देखना है आपको। उसी तरह डबल बॉटम का जो कंसेप्ट होता है, इसी चार्ट में बड़ा अच्छा मुझे डबल बॉटम दिख रहा है, ये जो डबल बॉटम है, ये जो डबल बॉटम है जो 35,000 के आसपास दिख रहा होगा आपको, 35,900 के आसपास यहाँ भी बना और सेम बॉटम यहाँ पे बना है। ठीक है, एक दिन एक कैंडल नीचे आने की कोशिश की लेकिन नहीं कर पाई, यहाँ पे भी कोशिश की लेकिन खुली थी सुबह सुबह, लेकिन उसके ऊपर आ गई। इस डबल बॉटम के नीचे जाना आसान नहीं होता, मैं फिर बता रहा हूँ, जब मैं बार बार वर्ड यूज कर रहा हूँ, कई बार इतना इंफेसिस से बोल देता हूँ तो आपको लगता होगा बस इसके नीचे तो जाएगा ही नहीं, मैं ऐसा नहीं कह रहा, आसान नहीं होता। डबल बॉटम्स अगर चार्ट में बनते हैं तो उनके नीचे जाना आसान नहीं होता, आसान नहीं होता। देखिए आपको मैं कुछ और थ्योरीज में दिखाऊंगा, जैसे आप लेटेस्ट अगर आप देखना चाहते हैं तो वैसे तो ये यहाँ पे इन्होंने बहुत अच्छा डबल बॉटम बनाया, डबल टॉप बना हुआ है और इसके ऊपर जाना बहुत ही मुश्किल होगा इस चार्ट पे। ये अगर आप देखेंगे, एक टॉप वहां बना था, उसी के पास पास यहाँ बना, तीसरी बार भी गया तो उसी के आसपास गया, नीचे आ गया, तो क्रीन साइंस को भी ये जो पॉइंट है 1580, 1588, इसके ऊपर जाना लगभग लगभग बहुत मुश्किल होगा इसके इसके लिए। और उसी तरह 2 बार बॉटम अगर आप देखेंगे, लगभग लगभग ये तो तोड़ दिया था इसके बाद, लेकिन जो 2 बॉटम बने हैं वो भी, एक बॉटम यहाँ बना, दूसरा बॉटम भी लगभग इसी पॉइंट के आसपास बना है, तो इन दोनों बॉटम के नीचे आना भी इसके लिए आसान नहीं होगा। तो प्लीज जब भी आप ट्रेडिंग कर रहे हैं तो डबल टॉप एंड डबल, अगर इस पर आप जैसे क्रीन साइंस है, अगर आपको ये 1280, बारह सर, सौ लेकिन तेरह ये आया है सर नीचे, यहाँ हाँ जी पीछे कहाँ देखेंगे नीचे आया हो, आपने वो तो आया था, बताया कहाँ ठीक है, लेकिन यहाँ आया है पे, भाई। इसकी बात हाँ कर जी रहे हाँ हैं जी आप सर। सर, ये तो उस डबल बॉटम तो अब बनाना, इसके बाद आना मुश्किल होगा ना, मैं कह रहा हूँ अच्छा, डबल ठीक है। बॉटम फॉर्मेशन हुआ उसके बाद उसको पार करना आसान नहीं होता। अगर अगर मान लीजिए ये बॉटम बन गया, अब दोबारा मैं नहीं कह रहा इसको तोड़ेगा नहीं, हो सकता तोड़ दे और दोबारा इस यहाँ पे और लेकिन वही, इजी नहीं होगा तोड़ना, वो कह रहे हैं आप। हाँ हाँ ठीक मैं है। ये कह रहा हूं कि डबल बॉटम को तोड़ना आसान नहीं होता है, बहुत अच्छा सपोर्ट बन जाता है। ठीक है, आपको मैं बहुत सारे चार्ट में दिखा दूंगा, देखिए ये जो है ये आपको दिखाई देगा कि अगर आपका ये आपका एक बॉटम, फिर ये दोबारा उसी पॉइंट पे बॉटम गया, फिर ऊपर गया, नीचे आ हाँ रहा है, अब इस पॉइंट के नीचे इसको आना आसान नहीं है, 1413, 1415 के नीचे आना इसके लिए आसान नहीं होगा। फिर मैं दिखाता हूँ आपको कुछ और चार्ट्स में जहाँ पे क्लियर दिख रहे हो, वैसे तो हम लोग को तो एक नजर में दिख जाते हैं, लेकिन आप लोगों को, क्योंकि आप लोग पहली बार देख रहे हैं, तो आपको जहाँ क्लियर दिखेंगे मैं वो दिखाऊंगा, सो दैट कि आपको पहचानने में आसानी हो। ठीक है, अब थोड़ा सा मैं अपने लिस्ट को चेंज कर देता हूँ यहाँ से। ठीक है, जैसे अब मैं आपको निफ्टी में दिखाने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे दिख जाए तो, जैसे देखिए ये जो है, ये जो डबल टॉप है, देखिए जरा ये जो डबल टॉप बना था, आपको दिखा रहा हूँ कि मैंने तो आपसे कहा आसान नहीं होता, लेकिन ये देखिए ये डबल टॉप बना था, लगभग लगभग एक पॉइंट पे गया था, दूसरी बार भी उसी के आसपास गया था, ठीक है, वहां से नीचे आया, फिर ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, देखिए एक टॉप बना, ध्यान से समझिए, एक टॉप बना इस पॉइंट पे लगभग लगभग 20,000 के आसपास, दोबारा टॉप बना, फिर वो 20,000 के आसपास बना, मैंने कहा उसको पार करना आसान नहीं होता, कटारिया जी आप समझिए, सॉरी, किया ठीक थोड़ा है, सा। फिर वो वहां से नीचे आ गया, ऊपर गया, फिर नीचे आ गया, फिर अब भाई कभी ना कभी तो ऊपर जाएगा ही, ऐसा तो है नहीं कि कभी नहीं जाएगा, लेकिन मैं कह रहा हूँ उस पॉइंट को ऊपर जाना आसान नहीं होता, वहां से वो रिवर्स हो गया। ठीक है, आगे मैं दिखाता हूँ कुछ और आपको, दो तीन चीज दिखाऊंगा, तो देखिए ये डबल टॉप बना, ये दो टॉप बना, एक बार टॉप बना, दूसरी बार टॉप बना, ये तीसरी बार,
ये इसको ये निफ्टी बैंक है, ये कुछ वॉल्यूम के साथ बहुत गैप था, ये गैप के वॉल्यूम के साथ इसने पार कर लिया। अब ये थ्योरी जो मैंने कहा कि 10 बार सही होगा तो 10 में से 2 बार गलत भी होगा, ये देखिए कट दे पार कर गया, डबल डबल टॉप बना हुआ था लेकिन पार कर गया। तो यही है कि ऐसा नहीं है कि आप हर बार देखेंगे तो आपको होगा, लेकिन जनरली आपका डबल बॉटम को इस दे देखिए, आपके डबल बॉटम्स को पार करना आसान नहीं होता, और डबल टॉप्स को पार करना भी आसान नहीं होता, नहीं होता। जैसे मैं आपको कुछ चार्ट्स में आपको और दिखाने की कोशिश करूँ जहाँ आप इजीली आप देख पाए। देखिए यहाँ पे ये आपका HDFC बैंक ने कितनी बार उसी उसी पे, एक बार इस पॉइंट पे गया, उसी पॉइंट पे यहाँ पे भी गया, हर बार वहां जाता है, एक बार टॉप बनाया, फिर उसी के आसपास टॉप बनाया, टॉप बनाया, यहाँ पे भी गया, वहीं पे टॉप बनाया। तो ये टॉप जो, क्योंकि 2 बार टॉप बन चुका है, डबल टॉप बन चुका है, उसको पार करना आसान नहीं होता, बार बार वहां जाता है नीचे आ जाता है, बार बार वहां जाता है नीचे आ जाता है, ठीक है। तो इट इज नॉट ईजी टू क्लियर द डबल टॉप। ये देखिए ये डबल टॉप बन गया, उसके बाद ये नीचे आया, नीचे आया, फिर वॉल्यूम आया, ठीक है निकल गया, कभी ना कभी तो निकलेगा है, कभी ना कभी उस, देखिए ये जो बॉटम्स बन रहे हैं, ये देखिए इन बॉटम को पहचानिए, एक बॉटम बना, फिर दूसरी बार बॉटम बना, फिर ऊपर गया, फिर गया, अब इसके नीचे जाना आसान नहीं होता। ये आपको एक दिन दिख रहा होगा, उस दिन मार्केट में कुछ हाहाकार मचा होगा इसलिए आया, लेकिन अगले ही दिन वो रिकवर कर गया मार्केट के साथ। ये एक्चुअल में आपको लग रहा है कि ये नीचे गया है, एक्चुअल में नीचे नहीं गया, क्योंकि हम लोग अभी एक कंफर्मेशन कैंडल का कंसेप्ट होता है, इस कैंडल से नीचे आया लेकिन कंफर्मेशन कैंडल जो है उसके ऊपर बनी है, ठीक है। तो वो एक्चुअल में वो नीचे गया नहीं है, उसी पॉइंट से वो उसने रिवर्सल ले लिया है, ठीक है। आगे बढ़ रहा हूं मैं थोड़ा सा। तो ये डबल टॉप डबल बॉटम कोशिश करिए आइडेंटिफाई करिए, अगर आप लोग ट्रेडिंग वेडिंग कोई थोड़ा बहुत करते हैं। देखिए ये जो ये लगभग ये आपका ये बजाज फाइनेंस में भी आपका बहुत अच्छा डबल टॉप का जोन बना हुआ था, और एक बार टॉप बना, फिर दूसरी बार टॉप बना, उसको पार नहीं किया, नीचे आया, फिर तीसरी बार टॉप पर गया, फिर ऊपर गया, ठीक है। अब ये बॉटम इसका लेटेस्ट जो बॉटम है आपका, ये जो है ये सपोर्ट है, ये अब देखिए ये 2 बॉटम, एक बॉटम यहाँ है उसी के आसपास दोबारा बॉटम बना रहा है, अगर ये यहाँ से ऊपर चला जाता है, यहाँ से ये ऊपर चला जाता है ऐसे, तो ये डबल बॉटम बन जाएगा, ये डबल बॉटम बन जाएगा, तो उसको फिर नीचे की तरफ तोड़ना आसान नहीं होगा। ये डबल टॉप डबल बॉटम का कंसेप्ट होता है। आई होप मैं आप लोगों को ये दोनों चीज समझा पाया हूंगा, ठीक है। कोशिश किया है मैंने, मैं फिर बता रहा हूँ, मैं ये मान के चल रहा हूँ और कि उन्हीं लोगों को बता रहा हूँ जिनको बिल्कुल नहीं पता, थोड़ा सा हाँ खरीद रहे हैं, देख रहे हैं टॉप बॉटम के आसपास है तो ठीक है यार, अच्छा सपोर्ट है, यहाँ खरीद लेते हैं, या टॉप अगर आपको बेचने का है दिख रहा है कि हाँ तो आप देख सकते हैं, उनके लिए है। ट्रेडिंग अगर आप नहीं करते हैं तो आपके बहुत काम की ये चीजें नहीं है, फिर भी मैं आपको बता, आज एक चीज मैं आपको और बताऊंगा, वो है डाउ थियरी, और उसके बाद हम इसको एंड करेंगे, ठीक है। डाउ थियरी बताऊंगा, पढ़ा है किसी ने डाउ थ्योरी आपने से कभी सुना है, डाउ थ्योरी का नाम सुना है कोई, जी सुना सर, सुना सुना है। नहीं है, जितेंद्र जी तो एक्सपर्ट है, ठीक नहीं एक्सपर्ट नहीं है। ना। डाउ थ्योरी क्या है इसको जानते हैं, डाउ थ्योरी जी, डाउ जोन्स आपने सुना होगा, ये हमारे अमेरिका से आई हुई थ्योरी है। ये क्या कहते हैं कि आपके जो हाई बन रहे हैं, ध्यान से सुनिए, चार्ट में आप देखेंगे हाई एंड लोज बनते हैं, डिफरेंट हाईज एंड डिफरेंट लोज बनते हैं, ठीक है। तो अगर आपके 2 सब्सिक्वेंट हाईज, ध्यान से सुनिएगा, हाई बन रहा है लो बन रहा है, हाई बन रहा है लो बन रहा है, 2 सब्सिक्वेंट हाई इस तरह से बने कि जो सेकंड वाला हाई है वो पिछले वाले हाई के ऊपर हो, और उसी तरह 2 सब्सिक्वेंट लोज इस तरह से बने कि जो सेकंड वाला लो है वो पहले वाले लो से ऊपर हो, तो इस चार्ट को हम बुलिश चार्ट कहते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक हाई बना, फिर जो दोबारा हाई बनेगा वो उसके ऊपर बने, उसके ऊपर बने, उसी तरह एक लो बना और जो दोबारा लो बनेगा वो इस वाले लो से ऊपर बने, यानी 2 सब्सिक्वेंट हाई इस तरह से हो कि सेकंड वाला हाई पहले वाले हाई से ऊपर हो और सेकंड वाला लो पहले लो से ऊपर हो, तो उस चार्ट को हम बुलिश चार्ट कहते हैं, यानी ये स्टॉक जो है ऊपर की तरफ जाएगा, मोर चांसेस यही होते हैं कि वो ऊपर की तरफ जाता है। ठीक इसका रिवर्स कि 2 हाई या 2 लो बन रहे हैं कि जो सेकंड वाला हाई है वो पहले वाले हाई से नीचे बने और जो सेकंड वाला लो है वो पहले वाले लो से भी नीचे बने, तो इसे हम बेयरिश चार्ट कहते हैं। 2 हाई 2 लो को देखना है, मैं आपको चार्ट के थ्रू दिखाता हूं, फिर आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। ये देखिए अगर मैं कहता हूं आपका चार्ट ऐसे जा रहा है, देखिए अब देखिए एक हाई ये बना,
हाई ये बना है 6289, और सेकंड हाई बना है आपका 6583। तो जो सेकंड वाला हाई है वो पहले वाले हाई के ऊपर है, और जो सेकंड पहला लो ये है, ये लो बना है इसका, नीचे आके ये लो बनाया। अब सेकंड वाला लो यही अगर बना के ये वहां से ऊपर हो जाए, अगर ये इसी पॉइंट से यहां से ऊपर हो जाए इस पॉइंट से, तो मैं कहूंगा कि जो सेकंड वाला लो बना है वो पहले वाले लो से ऊपर है, तो इसे हम बुलिश चार्ट कहते हैं। जब दोनों हाई, दो सब्सिक्वेंट हाई इस तरह से बने कि सेकंड हाई प्रीवियस हाई से ऊपर हो और सेकंड लो प्रीवियस लो से ऊपर हो, ठीक है, उसी का ठीक रिवर्स। अब मैं आपसे कहता हूं कि नहीं जी, मैं इस चार्ट को थोड़ा सा रिमूव कर देता हूं सारी ड्राइंग, और मैं कहता हूं कि दो आपके इस तरह से आपके एक हाई बना, देखिएगा ये चार्ट जा रहा था, ये हाई बना, लो बना, फिर सेकंड हाई बना पहले वाले से नीचे, और फिर दूसरा लो जो बना वो फिर दूसरे वाले से नीचे। अब देखिए, ठीक है, अगर ऐसा बना पहला हाई, ये देखिए ये है, और दूसरा हाई ये है, यानी पहले वाले से ये नीचे है, और दूसरा ये जो लो है ये इसका ये, और ये दूसरा वाला लो भी पहले वाले से नीचे है, तो अगर इस तरह से फॉर्मेशन होने लगे तो उसको हम कहते हैं आपका बेयरिश, क्लियर बेयरिश फॉर्मेशन। जैसे अभी आपके सामने बजाज फाइनेंस का चार्ट है, बजाज फाइनेंस के चार्ट को अगर मैं देखूं और आप लोगों से पूछूं कि ये हाई और दूसरा हाई उसके नीचे बन रहा है, तो बताइए ये बुलिश है या बेयरिश है, बताइए गौरव शर्मा जी। बीरिस हाँ जी, बेयरिश नहीं कह सकता मैं, बीरिस तब तक नहीं कह सकता जब तक कि ये जो दूसरा लो है वो पहले वाले लो से नीचे ना बने। ये लो तो यहां बना था, ये लो यहां बना था, देखिए जरा ये लो यहां पे बना था इस पॉइंट पे, ये 7000 का, और दूसरा लो भी उसी के आसपास ही है, पास ही है, जब उसके नीचे बनेगा तब बेयरिश होगा, तब बेयरिश होगा। अगर ये इसी पॉइंट पे बन गया तो ये डाउ थ्योरी के हिसाब से क्लियर बेयरिश पैटर्न नहीं है। क्लियर बियरिश पैटर्न और क्लियर बियरिश पैटर्न की डेफिनेशन मैंने, जैसे यहां पे देखिए, ये आपका, आपको अगर मैं देखूं, ये एक लो था पहला लो, इस पॉइंट को मैं डिफाइन कर रहा हूं, ये पहला लो था और ये दूसरा लो था, ये पहला हाई था और ये दूसरा हाई था, तो सेकंड वाला हाई पहले वाले हाई के ऊपर बना, लेकिन सेकंड वाला लो पहले वाले लो के ऊपर नहीं बना, नहीं बना, इसका मतलब ये क्लियर बुलिश पैटर्न नहीं था। अगर यही लो पहले वाले लो के ऊपर बन जाता तो ये क्लियर बुलिश पैटर्न को शो करता एज पर डाउ थ्योरी। आपको मैं दिखाता हूं कुछ चार्ट में, अगर मुझे कहीं दिखेगा तो आपको दिखाता हूं, तो आपको मैं समझा पाऊंगा कुछ चार्ट के थ्रू, बहुत अच्छे से आपको समझ पाएंगे। यहाँ देखिएगा, अगर मैं यहाँ पे बताता हूँ, सपोज आपका ये एक लो बना, ये नीचे आ रहा था, ये एक आपका लो बना, पहले लो बना, फिर ये हाई बना, फिर ये यहाँ से नीचे आया, फिर ये लो बना, फिर ये यहाँ पे हाई बना। अगर आप देखेंगे पहला वाला, सेकंड वाला हाई पहले वाले हाई के ऊपर है, सेकंड वाला लो पहले वाले लो के ऊपर है, यानी ये बुलिश पैटर्न है, थोड़ा नीचे आके फिर ऊपर की तरफ जाएगा। यहाँ पे देखिए, उल्टा देखिए, यहाँ पे आपका ये नीचे आ रहा था, ये लो बना, पहला लो यहाँ बना, पहला लो ये पॉइंट है, ठीक है, पहला लो ये बना है, ये हाई बना, पहले हाई को डिफाइन करता हूं, पहले मैं हाई को डिफाइन करता हूँ, ये आपका हाई बना है। अब देखना पड़ेगा टाइम पैटर्न का आपको क्या लेना है, और ये दूसरा आपका, ये आपका लो बना, फिर आपका ये हाई बना है पहले वाले हाई के, पहले वाले हाई के ये नीचे, लेकिन अगर ये लो, अब ये लो जो है ये यहां से नीचे आए और कुछ यहां कहीं बना दे उसके नीचे, तो क्लियर बेयरिश पैटर्न हो जाएगा, क्लियर बेयरिश पैटर्न आपके वो दिखाई देगा चार्ट में। जैसे ये बहुत अच्छा बुलिश पैटर्न है, चलिए ये तो मैं दिखा चुका हूँ शायद आप लोगों को, टाइटन नहीं दिखा चुका हूँ, देखिए बहुत अच्छा क्लियर बुलिश पैटर्न दिख रहा है चार्ट में। कैसे दिख रहा है, जितने भी हाई बन रहे हैं, जितने भी हाई बन रहे हैं यहां से यहां तक देखिए, सारे हाई प्रीवियस वाले हाई के ऊपर बन रहे हैं। जैसे देखिए ये हाई, पहला हाई, दूसरा हाई, मैं पहले हाई को डिफाइन कर रहा हूँ, तीसरा हाई, चौथा हाई, अभी फिर ये यहाँ कहीं पांचवा हाई, जितने भी हाई बन रहे हैं पिछले हाई के ऊपर बन रहे हैं, पिछले हाई के ऊपर बन रहे हैं, ठीक है। अब मैं हाई को रिमूव कर रहा हूँ, लो को दिखा रहा हूँ, लो देखिए, पहला लो यहाँ बना, पहला लो आपका यहाँ बना,
ये आपका लो बना, सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, फिफ्थ लो, ठीक है। और अभी तो ये लो अभी बना नहीं है, अभी आगे कितना क्या होगा। तो जितने भी लो बन रहे हैं वो भी पहले वाले के ऊपर ही बनते जा रहे हैं। तो अगर इस तरह का चार्ट आपको दिख जाए तो वो प्योर बुलिश या प्योर बियरिश पैटर्न हो कि जितने हाई बने सब्सिक्वेंट हाई पिछले वाले के हाई के ऊपर, जैसे यहाँ पे यहाँ तक आपको बुलिश था, फिर जैसे ही इस पॉइंट को नीचे, वही है आप जो आपको सपोर्ट रेसिस्टेंस पढ़ चुके हैं, अगर उस सपोर्ट को तोड़ दिया, यानी वो अब देखिए ये लो बना पहला, दूसरा लो, अब ये तीसरा लो उसके नीचे आ चुका है। अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाता है तो ठीक है आगे देखेंगे, और हाई भी सारे ऊपर बनते हुए जा रहे हैं, हाई भी ऊपर बनते हुए जा रहे हैं। बस ये चार्ट आपको बस मंडे को देखना है कि अगर ये यहीं से रिवर्स हो जाता है, क्योंकि ये कैंडल उसी दिन की है, कंफर्मेशन कैंडल हुई नहीं है, यहीं से रिवर्स हो जाता है, यानी लो जो है पहले लो के तो ऊपर बन गया, अब सेकंड जो है ये जो हाई है यहाँ से ये रिवर्स होके इस हाई को तोड़ दे, इस हाई को, ये जो ये हाई है इसको तोड़ दे, यानी सब्सिक्वेंट हाई जो है पिछले वाले हाई के ऊपर चला जाए, तो फिर वो क्लियर बुलिश पैटर्न को शो करेगा। तो जितने सब्सिक्वेंट हाई हैं वो पिछले वाले हाई के ऊपर बनते जा रहे हो, और जितने लो हो वो पिछले वाले लो के ऊपर बनते जा रहे हो, तो वो क्लियर बुलिश या बेयरिश पैटर्न का इंडिकेटर होता है एज पर डाउ थ्योरी। ये मैंने आपको समझाने की कोशिश की। तो मैंने आज आपको सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस बताने की कोशिश की, मैंने आपको डाउ थ्योरी बताने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ, मुझे पता है ये थोड़ा, ये जो जो बहुत बड़ा टेक्निकल की बुक्स होती हैं उसका मैं छोटा छोटा पार्ट क्यों बताना चाहता हूं, ताकि जो शुरू में किसी ने कहा क्या शेयर मार्केट जुआ होता है, तो मैंने आपको आंसर दिया, शायद मेरे आंसर को जितेंद्र समझ नहीं पाए, कि अगर शेयर मार्केट आप खेलेंगे तो जुआ है और आप पढ़ेंगे तो जुआ नहीं है। आप इसके थियोरीज हैं, उस थियोरीज को समझ के करेंगे, काम करेंगे तो होता है, आपको उसको समझना है बस। इसीलिए नहीं समझ में आता तो सिंपल इन्वेस्टिंग करिए, दिमाग लगाइए ही मत, अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को जितना सिंपल रखेंगे, और मैं बता रहा हूँ आपको मेरा 20-22 साल की स्टडी यही कहती है, अपने इन्वेस्टिंग जर्नी को जो जितना सिंपल रखे, सिंपल लेमैन के लैंग्वेज में, देखो आपके घर में क्या यूज होता है, कौन से प्रोडक्ट बिक रहे हैं, उसको स्टॉक खरीदते जाओ खरीदते जाओ। किसी ने भी आज के 10 साल 15 साल से बैंक्स हैं, टेक्नोलॉजी कंपनियां हैं, एफएमसीजी कंपनियां हैं, खरीद करते जा रहे हैं रखते जा रहे हैं, इसमें से एक दो ऐसे होंगे जीरो हो गए होंगे, फिर भी उसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो गया, ये मैं जानता हूँ। स्टॉक कहाँ गए होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन उसका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा हो, ठीक है। स्टॉक इन्वेस्टिंग एक ऐसी जर्नी है कि आपका, अगर स्टॉक मार्केट आपको 12-13% रिटर्न देता है ना, आपका पोर्टफोलियो आपको 22% रिटर्न देता है। ये मेरा मेरी थ्योरी यही है कि आपका आपका स्टॉक मार्केट आपको 12-13-14-15% रिटर्न देता है, लेकिन आपका पोर्टफोलियो आपको 22% 23% का रिटर्न दे देता है। ऐसा होता कैसे है, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ मेरे साथ कैसे होता है। मेरे पास अकाउंट में पैसे होते हैं, खर्चे वर्चे निकाले घर के, जो पैसे हुए देखता हूँ अच्छा सा स्टॉक कौन सा है, खरीद लिया खरीद लिया, तब से अचानक दिखता है पेपर में बिग फ्राइडे धमाका। अब बिग फ्राइडे धमाका के लिए पैसे बचते ही नहीं, तो धमाका आता रहे मुझे क्या लेना देना। लेकिन अगर मैं स्टॉक इन्वेस्टर नहीं हूँ तो अकाउंट में पैसे पड़े हुए हैं, तो चलो यार ये खरीद लो, चलो वो खरीद लो, चलो ये ले आओ, चलो वो ले आओ, अकाउंट में पैसे ही नहीं होते। तो वो होता है ना, आपको इन्वेस्टिंग की अगर आदत पड़ जाती है, अच्छे शेयर पहचाने की, लेने की आदत पड़ जाती है, तो आप आपका ना 10% तो आप वहां से बचा लेते हो कि आपकी फिजूल खर्ची बच जाती है, और 12-13% अगर आपने कंपाउंडिंग ले ली तो आपको ये 22-23% की कंपाउंडिंग होती है, जो बाकी आम आदमियों से आपको ऊपर निकाल देते, बड़े आराम से, बड़े आराम से। तो मैं अपनी बात आज कह पाया हूँ, अब आपके मन में जो भी प्रश्न है, मुझे पता है आज का टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड था, तो मैं आप लोग को ज्यादा टाइम दूंगा, आपके मन में जो भी प्रश्न है मेरे लिए वो तैयार। जी सर, पहला क्वेश्चन तो ये है सर कि जो आपने ये बताया है हाँ जी, इसमें मतलब कितने टाइम पीरियड को हम लेंगे कि कब बॉटम, मान लो कोई 10 दिन पहले का बॉटम, क्योंकि डिपेंड, हाई बीटा स्टॉक। समझ गया हाँ समझ आपका क्वेश्चन, डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम पीरियड की ट्रेडिंग कर रहे हैं। अगर आप इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे चार्ट्स में टॉप एंड बॉटम ढूंढेंगे। अगर आप वीकली ट्रेडिंग कर रहे हैं कि 2-4 दिन में खरीदना बेचना है, खरीदना बेचना है, तो आप 2 घंटे 3 घंटे के कैंडल्स को देखेंगे। अगर आप महीने 2 महीने में खरीदते बेचते हैं तो आप कुछ करेंगे, 4 घंटे वाले चार्ट्स को देखेंगे। अगर आप 1-1 साल में खरीदना बेचना चाहते हैं या 6 महीने में खरीदना बेचना चाहते हैं तो आप डेली चार्ट को देखेंगे। अगर आप चाहते नहीं या 2-4 साल में देखना है तो आप वीकली चार्ट को देखेंगे, ठीक है। तो वो टाइम पीरियड आपके ट्रेडिंग का क्या है, आपका जो क्या आपका होराइजन है उसके ऊपर डिपेंड करता है।
ठीक है सर। और एक सर मान लो हमें ये पता लग गया कि डबल बॉटम क्या होता है, ये डबल टॉप क्या होता है, पता तो लग गया, लेकिन जब अभी पास्ट में देखना तो बहुत आसान है कि हमने देख लिया कि यार यहाँ बना था, लेकिन अब जब बन रहा है उस टाइम पे हम अगर कोई स्टॉक्स को देखें तो उस टाइम वो होना रियल, रियल तो वो है, तो क्या ऐसा कोई कैसे पता लगेगा मतलब अभी? जब तक बन नहीं जाएगा तो कैसे मैं दिखा दूंगा कि बॉटम बन गया, ये तो मैं नहीं दिखा पाऊंगा। बन नहीं, जाएगा तभी दिखा जैसे दूंगा। अगर हम सर एक से मिल एक लिए आधा अगर कोई, जाए तो मैं कुछ कहूँ। हाँ हाँ बोलिए सर बोलिए। कल हमने कैंडल्स पढ़े थे, कैंडल्स में इसका जवाब था, पैटर्न तो सर अब मैं तो बता दूँ रिवर्सल का जितेंद्र हमने वहां बताया था। जी को मैंने पहले ही प्रणाम करके बता दिया कि अगर मैं क्या बोलूँ सर, मैं नहीं, क्योंकि हम लोग लाइव क्लास में है, ठीक है। सर के प्रश्न हैं जितेंद्र जी, एक बार मैं नहीं बता पाऊंगा सर, मैं उसमें अपने आप को असमर्थ महसूस करूंगा। अच्छा, क्योंकि मैं सोच रहा था कि कोई आप ऐसा स्टॉक ले लेते जिसमें आपको ऐसा लग रहा हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि। नहीं सर, मैं लगने के ऊपर काम ही नहीं करता सर। मैं ना मेरे पास मेरे साथ मेरे कई मित्र हैं, वो कहते हैं सर भेड़ खरीद लो, क्यों? मुझे ऐसा लग रहा है ऐसा होने वाला है सर। एनटीपीसी खरीद लो, मुझे ऐसा लग नहीं रहा है। सर, मैं कहता हूँ क्योंकि क्यों ही करूँ। मुझे भी एक ऐसा चार्ट लग रहा था कि जिसमें डबल बॉटम शायद हो, तो इसलिए मैं बोल रहा था। तो चलिए कोई मैं देखता हूँ सर। मैं ना मेरा सिंपल सा है कुछ, मेरे ना बड़े बेसिक, मैंने कहा आपको कि मैं इन्वेस्टिंग की जर्नी को बहुत आसान रखना चाहता हूँ। दिख रहा है जी ये सपोर्ट है, इस सपोर्ट के आसपास ठीक है मैं बाई कर रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था पहले, आई थिंक 2 क्लास पहले बताया था, मैं एशियन, मैं आपको दिखा रहा हूँ एशियन पेंट खरीद रहा हूँ। तो ऐसा नहीं है कि कोई उसमें बहुत सारी चीजें मैं देख रहा हूँ, आपको दिखा देता हूँ, मैं आपको बहुत सारी चीजें मैं उसको देख रहा हूँ और उसके बेसिस पे उसको खरीद रहा हूँ। अब कि जरूरत है कि जो मैं कर रहा हूँ तो वो सही होगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। ये देखिए, नहीं, बिल्कुल आप बिल्कुल। देखिए ये यहाँ पे सपोर्ट था, ये मुझे पता है कि 2300 2500 के आसपास सपोर्ट है, 100 रुपए ऊपर नीचे, करेक्ट 50 रुपए ऊपर नीचे, इसके आसपास। करेक्ट अगर अगर ये इसको तोड़ देगा तो फिर ये जाएगा कहाँ? ये जाएगा कहीं 2700 2750, फिर वहां पे थोड़ा और खरीद, काम खत्म। लेकिन ये यहीं से ऊपर चला जाएगा नहीं जाएगा मुझे नहीं पता, मुझे नहीं पता, ठीक है। तो जितेंद्र जी, बड़ा मुश्किल काम है जो आप कह रहे हैं ना, अगर इतना आसान इन्वेस्टिंग होती, इसलिए मैं कहता हूँ कि इन्वेस्टिंग अपने आप में, इन्वेस्टिंग सर सबसे दुनिया के सबसे बोरिंग जर्नी है और इन्वेस्टिंग दुनिया के सबसे कॉम्प्लिकेटेड जर्नी है। आप आपको ऊपर है कि आप इसे इंटरेस्टिंग और इसको आसान कैसे बनाए। आसान बनाने का तरीका, एक मित्र ने सबसे शुरू में कहा कि सर अच्छे वाले स्टॉक को आप खरीदते जाए खरीदते जाए। मैं बताता हूँ उन मित्र को, मैं प्रणाम करूंगा 4 बार, बहुत अच्छी दुनिया का, मैं समझ लो कि सबसे आसान है कि आप अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई करने मैंने आपको सिखा दिए, और कहीं से भी आप अच्छे स्टॉक आइडेंटिफाई कर लो 10 20 स्टॉक और उसको खरीदते रहो खरीदते रहो, उसी तरह खरीदते रहो जैसे आपके घर बिल्कुल वालों ने, आपके दादा परदादा ने कभी खेत खरीदे थे। आज आप में से जिसके पास 20 बीघा खेत है वो कहता है वाह क्या खेत है मेरे पास, जिसके भी घर पे है। आपको नहीं पता कि आपके दादा परदादा ने कैसे खरीदे थे। वो अगर सही है सर, उस समय, करेक्ट है अगर उस सर। समय वो देखते ना, ये वाला खेत बढ़ गया होगा, ये रोड के किनारे वाला घट गया होगा, ये अगर ये सब सोचा होता ना तो खेत कभी ना होता है, इसको नहीं नहीं बेचना। सर, वो सही है। मैं बस इतना कह रहा था कि जैसे जो आपने पढ़ाया ना, जो आपने समझाया, अगर वो हम कहीं लगाना चाहे, मान लो मुझे लग रहा है कि जो सर ने आज मुझे पढ़ाया वो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि यहाँ अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो उसके बारे में मैं कह रहा था कि मैं आपको बताऊं तो आप क्या उसे हमें एक बार देख के ये कर देंगे कि हाँ हाँ बता हो दीजिए, अगर सकता है। आपको कहीं लग रहा है तो बताइए, कोई बात नहीं, देख लेंगे। एक बार हैंग सेंग बीज देखिए सर, हाँ जी, हैंग सेंग बीज, ये क्या है सर? हैंग सेंग बीज मतलब हांगकॉन्ग मार्केट देख लीजिए आप एक नहीं बार। सर, हम क्यों सर, लोग बहुत बहुत ऐसे लोग हैं सर जो पहली बार आए नहीं हैं। सर, अरे सर, ETF भी तो है, निफ्टी नहीं बीज ही नहीं तो है ये। छोड़ दीजिए छोड़ दीजिए सर, प्लीज चलिए मैं ठीक है माफी ठीक मांगूंगा। बहुत है, लोग ओके, ऐसे नए नए हैं सर, मैं उनको नहीं कंफ्यूज करना चाहता, कोई कोई नहीं सर, ETF ही था वैसे, तो कोई बात बात नहीं है, कोई बात, ओके नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज सर। किसी सर। PSU ये स्टॉक का सर, पैर किसी PSU स्टॉक का एग्जांपल लीजिए सर, PSU स्टॉक का सर किसी एग्जांपल लीजिए सर। सर किसने बोला भाई? रोहित जी राज जी दो लोग बोल रहे हैं, पहले एक मैं प्रश्न। रोहित श्रीवास्तव सर, किसी PSU स्टॉक का सर एग्जांपल लीजिए सर। पीएसयू स्टॉक का एग्जांपल लेके आपको क्या दिखना है? सर यही टॉप बॉटम जो आप बता रहे थे सर, उसमें क्या होता है जैसे ट्रेडिंग व्यू से बार बार वो जो है बुलिश हो जाता है, और समझ नहीं आता कब सेल हो रहा है कब जो है, एक बार बार बुलिश ही चल रहा सर 2 साल। स्टॉक का नाम बताइए। सर भेल लीजिए सर, या कोई रेलवे का कोई स्टॉक RVNL वगैरह लीजिए सर ठीक है सर, सर। बार बार जो है मैं खरीद रहा हूँ बार बार बेच रहा हूँ, समझ नहीं आ रहा कब रुकेगा सर ये। नहीं तो आप क्यों खरीद रहे हैं और क्यों बेच रहे हैं अब मुझे ये रैली में है बताइए। सर पता नहीं। देखिए सर यही उसे आप ये देखिए, सारे टॉप्स आपके हाई बन रहे हैं, दिख रहे हैं आपको? आपने RVNL कहा या मैं भेज रहता हूँ आपने को भेज कहा, देखिए आपको सारे टॉप्स पिछले वाले टॉप से हायर दिख रहे हैं,
सारे टॉप्स हायर दिख रहे हैं, राइट सर। सारे बॉटम्स भी हायर दिख रहे हैं, तो हाँ सर, आप बेच क्यों रहे हैं? आपने ओके पकड़ा सर। हुआ तो पकड़े रहिए ना उसको। हाँ सर, सही कह रहे। आप जब तक आपका, आप देखिए, अगर आप थ्योरी को नहीं जानेंगे तो आप नुकसान करेंगे। और मैं थ्योरी को समझिए सर, थ्योरी में आपने जो स्टॉक कहा मैंने खोल के दिखा दिया आपको, जब सारे हाँ टॉप पिछले वाले टॉप से ऊपर बढ़ रहे हैं, सारे बॉटम पिछले वाले बॉटम से ऊपर बढ़ रहे हैं, तो आप बेच ही क्यों रहे हैं? आप खरीद रहे हैं, बेच रहे हैं, आप झूठ बोल, आप उसमें एडवेंचर करना चाह रहे हैं, कर क्यों कर रहे हैं आराम से? सर, मैंने कहा ना इन्वेस्टिंग को आसान, आपने एक अच्छा स्टॉक पकड़ लिया। राइट सर। वैसे मैं आपको बता रहा हूँ कि आई नेवर इन्वेस्ट इन टू पीएसयू स्टॉक, आई नेवर इन्वेस्ट इन टू पीएसयू स्टॉक। पीएसयू में अगर मुझसे कोई पूछे कि आपने आपने जिंदगी में कौन से स्टॉक को कभी खरीदा बेचा, तो मैं आपको बता रहा हूँ, ट्रेडिंग करने के लिए मैं कुछ भी कर लेता हूँ। ट्रेडिंग जब करते हैं, बच्चों को सिखाना होता है, सिखाता हूँ मैं ट्रेडिंग, क्योंकि दिखाना पड़ता है। लेकिन मेरे पोर्टफोलियो में अगर मैंने कभी रखा अपने पोर्टफोलियो में कोई पीएसयू स्टॉक, तो वो केवल और केवल SBI है, जो मैंने 2-4 साल कभी रखा, और अदरवाइज मैंने कभी नहीं, कोई नहीं। ठीक राइट सर, थैंक है, नो डाउट कि उस वजह से ये जो 2 साल में बहुत अच्छा है, और पीएसयू लोगों ने बहुत अच्छे रिटर्न दिए है, ठीक, कोई बात नहीं, हर रिटर्न पर सर। मुझे क्वेश्चन नहीं आंसर चल बनता। रहे हैं, इसको रिकॉर्डिंग बंद कर दे ताकि कंपाइल आसान हो जाए। हाँ, मैं इसको थोड़ा सा रिकॉर्डिंग को स्टॉप कर देता हूँ।